का ये वक्त है और कैसे हैं आप? एक बहुत दिनों बाद वाली मर गई, इसमें आएगा इंजन की आवाज। आज के दौर में भी ये टमटम एक का जो भी इसको हम कह लें, ये चलता है लखनऊ में, जो नवाब का शहर है। नवाब इस के ही जरिए जो अपनी सवारी करते थे। एक जगह जैसे एक श्राइन होती है, उसी के तौर पर जैसे करबला में है। करबला में हाँ, तो हर कोई करबला तो जा नहीं सकता है, तो उसी के लिए याद में बनाई गई थी ये। हम पहुंच चुके हैं पिक्चर गैलरी की तरफ। दिस इज पिक्चर गैलरी एक्चुअली इसके जस्ट ऑपोजिट साइड पे, यानी उस तरफ है। चिकन वर्क, ये क्या प्राइस होगी भैया इसकी? ये कुर्ते की रेड वाली। तो आप देखिए, क्या लखनऊ में आप हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है। 400 रुपीज़ में एक कुर्ता है। माय गॉड, ये चिकन वर्क है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ों को देखोगे ना, तो आपके दिल में जो तसल्ली पहुँचेगी वो बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे होंगे। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वीडियो आ रहा है, बिकॉज यार ये मैं सोच रहा था कि हर दिन ये वीडियो क्या लूँ। फिर मुझे लगा यार कि रमज़ान का वक्त चल रहा है, ईद करीब है, और क्यों ना रमज़ान से मुतालिक और ईद की रौनक लखनऊ के शहर में क्या है, लखनऊ एग्जैक्टली, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। कुछ फेमस प्लेसेस और जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वहाँ पे लोग होते हैं, वहाँ पे सीन क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा। बस बने रहिए, वो छोटा सा ब्लॉग है, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। बने रहिए हमारे साथ। अगर हमें लखनऊ के वीडियो की अगर शुरुआत करूँ तो लाजमी है यार रूमी गेट से इसकी शुरुआत करना, क्योंकि रूमी गेट यहाँ का सिंबल, यहाँ का पहचान। और ये टमटम आज के दौर में भी ये टमटम एक का जो भी इसको हम कह लें, ये चलता है लखनऊ में। थोड़ा सा सीन यहाँ का दिखाना चाह रहा हूँ। शाम का एक वक्त है, यहाँ पे लोगों का हुजूम आप हर वक्त हमेशा देखेंगे, लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इसके ज़रिए लोग एंटरटेन होते हैं। और ये पूरा का पूरा रूमी गेट वाला इलाका है। अब हम चलेंगे दूसरी तरफ और देख लें कितना हसीन लग रहा है ना रात में भी ये बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग में थोड़ी सी लाइटिंग होती तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लगती, लेकिन अपने आप में ये बिल्डिंग बहुत हसीन है। चलते हैं इसके आगे। अभी बस वक्त है थोड़ा आगे चलने का, आगे इन द सेंस जैसे कि मैं रूमी गेट पे हूँ, तो यहाँ से जो घंटा घर है वहाँ पर सब बहुत रौनकें लगती हैं। सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। अभी देख लें ये वाला जो हिस्सा है ना, ये रूमी गेट, अगर मैं जूम करके दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए वो दूर रूमी गेट नजर आ रहा है वहां पर। वहां के इस तरफ आएंगे ना तो ये वाला एरिया, यानी यहाँ पे रमज़ान के वक्त के बात मैं करूँ, या रमज़ान नहीं भी होता है ना तो शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाली रौनकें लगी हुई होती हैं। ईरानी फास्ट फूड, ईरानी चाय करके भी यहाँ पर है, दम टी करके आप सामने देख सकते हैं। इस कलेजी और इसको भूनकर कोयले में इस तरीके से पेश किया था। सामने की आप शॉप पर देख सकते हैं रमज़ान की वजह से यहाँ पर जो तादाद है, चीज़ें जो बन रही हैं फास्ट फूड, वो कितनी ज़्यादा वाली हैं यहाँ पर। और उसी के साथ यहाँ पे लोग को आप देख सकते हैं, यहाँ ईरानी चाय की मैंने आपसे बात की, यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, देख सकते हैं आप लोगों के हुजूम कितने हैं यहाँ पर। अभी शायद आप लोगों ने चाय ऑर्डर किया है, चाय क्या है ना यहाँ पर पीते रहते हैं, अक्सर आते रहते हैं। कैसी लगती है यहाँ की चाय आपको? बेस्ट लगती है ना, इस वजह से लोग यहाँ पर आते भी हैं बहुत सारे लोग, यही चाय की वजह से फेमस। अच्छा, रमजान के मुझे लगता है इसमें तो और फिर रौनक लग जाती है, क्योंकि इफ्तारी हो जाती है, उसके बाद लोग यहाँ आते हैं। रमजान के अलावा भी बहुत, मतलब बहुत हमेशा भीड़ होती है, हमेशा दोस्तों के साथ यहाँ पे एंजॉय करते हो। हुसैनाबाद है ये, और यहाँ क्योंकि ये छोटा इमाम बाड़ा यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ये, और उसकी वजह से ये जो गेट है यहाँ से इसका ये पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं। लुक एट दिस बिल्डिंग एंड द ब्यूटी ऑफ दिस बिल्डिंग, और कितनी खूबसूरत है अपने आप में यहाँ का पूरा एरिया। आप देखें यहाँ से बिल्डिंग है, वहाँ से फिर दूसरा वाला हिस्सा, एक मस्जिद आपको नज़र आ रही होगी वहाँ पर, वो देखें कितनी खूबसूरत लग रही है। आप पता नहीं मेरे वीडियो के ज़रिए महसूस कर पा रहे नहीं कर पा रहे, लेकिन लखनऊ की सड़कों पर जब आप चलते हैं तो आपके अंदर वो फीलिंग आती है दैट आप नवाब हैं, और नवाब के सड़कों पे चल रही कुछ अलग वाली फीलिंग आपको आएगी। और अभी तो मैं मेन वाले जगह पे हूँ, आप देखें ये यहाँ पर छोटा वाला, छोटा इमाम बाड़ा इसको बोलते हैं, ये है यहाँ पर। टूरिस्ट बहुत आते हैं दिन के टाइम पर यहाँ पर, और एक जो अच्छी वाली वाइब अगर मैं कहूँ तो वो मुझे फील हो रहा है हर तरफ, जो पुराने दौर की, जमाने की, उस जमाने की भी बात करो, नवाबी दौर की बात करो, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे
बनी हुई है, बिल्डिंगे हैं, उन सबको जब आप देखोगे ना तो आप कहीं ना कहीं उन इतिहास में, उन हिस्ट्री में खो जाओगे और अपने आप को फील करोगे दैट लखनऊ में हो यार, नवाब के शहर में हो, कुछ तो है बात खैर की। अभी तो एक क्लोज है, मैंने सोचा आपको वीडियो में जरूर ये दिखाऊं। ये है छोटा इमामबाड़ा और इसके अंदर आप जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। इमामबाड़ा ये है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उनके जो नवासे थे इमाम हुसैन, उनकी याद में एक जगह जैसे एक श्राइन होती है उसी के तौर पर, जैसे करबला में है। करबला में हाँ, तो हर कोई करबला तो जा नहीं सकता है, तो उसी के लिए याद में बनाई गई थी ये, मतलब उनके लिए मतलब प्रार्थना होती वहाँ पे, वो इसीलिए एक श्राइन टाइप की है। छोटा इमामबाड़ा ऐसी, वो बड़ा इमामबाड़ा है। अच्छा, ये कितना पुराना होगा बता सकते हैं क्या? ये 200 साल तो होगा। 200 साल होगा। अच्छा, दिन के वक्त ये खुलता है, लोग यहाँ दिन में जा सकते हैं, सुबह से शाम तक। शाम हाँ से निकल कर हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, मैं आपको दूसरी वाली जगह पे दिखाने वाला हूँ। और यकीन मानो दोस्त, यहाँ से जाने का दिल तो मेरा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, ये है हमारी मजबूरी कि आपको जल्दी से सारी वीडियो को मैं कवर करके दिखाने वाला हूँ। रमजान और उसकी रौनक जो लखनऊ के इस वाले एरिया में है वो कैसे है। चौक की गली जाएंगे हम इसके तरफ, हर हाल में सारी मुसीबतों को खुदा पड़ा है पूरा रास्ता, खुदा पड़ा है पूरा रास्ता, लेकिन होगा। चौक के अंदर एंटर कर रहे हैं हम के, जब गोल दरवाजे की तरफ हम आ रहे हैं तो हमने सोचा बहुत धूल है, बहुत खुदा पड़ा है यार यहाँ पर, हमने सोचा कि जो है ये सफ़र पैदल तय करते हैं क्योंकि ये बहुत रश वाला है एरिया। धूल देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा रोड खुदी पड़ी है। और जब चौक की तरफ गाड़ी लेकर आप आएंगे और पार करके जब भूल जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपकी गाड़ी का हाल होने वाला है। लखनऊ में हम हैं तो लाजमी है यहाँ पे चिकन के कुर्ते, चिकन की, देखो चिकन क्या होता है, चिकन एक डिज़ाइन होता है, ये सामने आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ये दिस इज़ द डिज़ाइन। ये कैसे दे रहे हैं भैया? 1350 की है, पूरा सूट है ये, माय गॉड। ये चिकन वर्क है, दिस इज चिकन वर्क राइट, चिकन वर्क के ऊपर मिरर वर्क है, लवली ट्रिपल काम है। तो ये फिक्स प्राइस है जो आप बता रहे हैं? गुंजाइश भी है, गुंजाइश भी है। लुक एट दिस, मतलब चिकन के साथ साथ जो कपड़े की क्वालिटी है, या मैं कहूँ कि पार्टी वेयर अगर पूरा हो तो गलत बिल्कुल नहीं, पार्टी वेयर है, दिस पार्टी वेयर राइट, ईद में पहनने के लिए है ये। बहुत यूनिक कुर्ता मुझे दिखा ये, दिस इज, अगर ये कुर्ता आप ईद में पहनते हैं क्योंकि चिकन वर्क। ये क्या प्राइस होगी भैया इसकी, ये कुर्ते की रेड वाली? और ये वाला ग्रीन वाला, दिस इज नाइस ना, दिस इज नाइस। अच्छा, ओरिजिनल चिकन के भैया ये वाले काम होते हैं, ये एक बार दिखा दीजिए, ये क्या प्राइस के हैं? ये 400 रुपये कुर्ता, 400 रुपये का कुर्ता है, और व्हाइट वाला भी सेम प्राइस का होगा। तो आप देखें क्या लखनऊ में आप हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा हाई प्राइस है, 400 रुपीस में एक कुर्ता है। इतनी मोहब्बत है तुम्हें हमसे, पहली बार मिले हम, बताओ ना क्या है ये फिर? इसे तो वो बोलते हैं लच्छे वाले, तुमको नहीं पता है यार? जी जी, कुछ पता ही नहीं रहता जी भाई, लच्छे बोलते हैं, लच्छे वाले। आओ चले, देखो अगर हम यहाँ पर आए, अगर हम चौक में हैं और खाने पीने की चीज़ों को लेकर आए हैं यहाँ पर, मतलब देखने आए या खाने आए मैं यूँ कहूँ, तो अगर कबाब और पराठे जो हैं उससे उसी बात ना हो तो मुझे लग रहा है फिर तो बेईमानी मैं आपके साथ भी करूँगा। कबाब एंड दिस इज शिरमाल, दो क्वालिटीज़ होती हैं इसकी एक्चुअली, ये कलर वाले होते हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, और एक वो प्लेन है नॉर्मल, शायद इसके 10 रुपीज़ नान बोलते हैं ना, क्या प्राइस है इसकी? 7 रुपये, तो आप 7-8 रुपये नॉर्मली इस तरीके के प्राइस हैं, तो आप देख सकते हैं इसके प्राइस ज़्यादा हाई नहीं। एक ऐसे जगह पर आए हुए हैं कश्मीरी टी, तो लखनऊ में कश्मीरी टी जो है वो मिल रही है और हम पीते हैं चाय हमने ले लिया एक्चुअली। वो सुलेमान जो है ना, सुलेमान ने पूरा प्याली भरा हुआ है क्योंकि सुलेमान आज बहुत कश्मीरी को याद, कश्मीर की चीज़ों को याद करता। तो मैं कैसे लग रही है? अच्छी है, बहुत बना के बोला हुआ, हम देखते हैं कैसी है, अच्छी है बस, ठीक है।
इसमें कुछ मलाई टाइप का आ रहा है यार, तो मलाई डाली इसमें, मलाई नहीं चाहिए थी। बस ठीक है यार, यहाँ का जो बड़ा फेमस है ताबिर, साबिर करके लिखा हुआ है, चौक में है, बस ठीक है, तो खास नहीं है। इसलिए अब खाने की बात हो गई है यहाँ पर, सो खाने की बात अब है, अब हम जाएंगे रहीम कुलचा नहारी। देख सकते हैं क्योंकि रोज़े की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन सब बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, क्योंकि चेहरे पे वो रौनक नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी हम जाएंगे। इनकी एक शॉप है, आप देख सकते हैं यहाँ से स्टार्ट होता है, और एक जो है अंदर जो फैमिली के साथ आते हैं वहाँ अंदर जाके बैठते हैं और हम लोग यहाँ बैठ के खाएं। हम रहीम में और हमने जो अभी खाने के लिए जो चीज़ें कुछ ऑर्डर करी हुई हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। दिस इज़ पसंदा। एक्चुअली इसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये बहुत लजीज होता है खाने में। दिस इज़ कोरमा एंड दिस इज़ कुलचा एंड सीरियसली बिरयानी बहुत टेस्टी है। पसंदा, ये देखिए, दिस इज़ पसंदा। आपके सामने टेस्ट करके देखेंगे। खुशबू की बात करो तो बहुत अच्छा है। वाओ, दिस कोरमा, ये वीडियो में देख लें आप पहले, लुक एट दिस। इतनी चीज़ें हमने खाई, आपने अगर वीडियो में देखा होगा, एंड द प्राइस इज 279 only 279। मतलब ये बड़ा अच्छा है यार, मतलब ये सिर्फ लखनऊ में ही पॉसिबल है, इतना अच्छा और सस्ता खाना सिर्फ लखनऊ में मिलेगा। सुलेमान, खाना तुम्हें कैसा लगा था? खाना तो यार बहुत अच्छा है, मैं तो। एंड व्हाट अबाउट द प्राइस? प्राइस वाज वेरी चीप, प्राइस वाज आल्सो हाई। एग्जैक्टली, हम पहले भी आ चुके हैं लेकिन अभी की बात ही अलग है। एंड ऑल इन ऑल चीज़ें थी वो बहुत अच्छी थी यार, बहुत मज़ा किया हमने, बहुत फन किया। बहुत अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना पूरा ख्याल करिएगा, रखिएगा और दुआ में याद ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं बहुत जल्द। 'Cause I just wanna go, go.